आज के दौर में ऐसी फिल्में बनाना जिसमें भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा मिल रहा हो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हिम्मत है तो आज गुजरात फाइल्स बनाओ, बना सकते हो। हिम्मत है तो आज बनाओ फिल्में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर सांप्रदायिक बयान दे देकर इस देश को बद से बदतर हालात की तरफ ढकेल रहे हैं। हिम्मत है इस विवेक अग्निहोत्री में। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का सच दिखाया जाता है। तो पहले क्लिप से शुरू करते हैं। इस क्लिप में हम देखेंगे कि जब नाथूराम गोडसे के ऊपर डिबेट चल रही थी और चित्रा त्रिपाठी पूरे जोर शोर से अपनी संघ की सपोर्ट में थी, तो कैसे इस कांग्रेस प्रवक्ता ने चित्रा त्रिपाठी और बीजेपी के प्रवक्ताओं की जिस अंदाज से बेइज्जती की, वो सराहनीय योग्य है। अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं, अब खुद विनोद अग्निहोत्री जी को आपने सुन लिया कि किस तरह से लगातार एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरफ बिखरते हुए चले गए आपके नेता। और कम से कम खुद अगर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो अंदर झांक कर देखने की जरूरत है, बजाय इसकी कि बीजेपी को बैठकर कोसते रहे। नहीं, वो विश्लेषण किया उन्होंने, उनके विश्लेषण का सम्मान करती हूँ मैं, लेकिन मैं यहाँ पर पहले तो जवाब दे दूँ प्रेम शुक्ला जी की बातों का। ये गौड़सेवादी हमें क्या कहते हैं, गौड़सेवादी कौन है वो तो सब जानते हैं। मजार पर चादर चढ़ाने कौन करते, भाजपा के नेता आडवाणी जी। जिन्ना जी पर किताब किसने लिखी, जसवंत सिंह जी, उन्होंने जिन्होंने कंधार छोड़कर आए थे आतंकवादियों को सरकारी विमान में बिठा के। जिन्ना जी की पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे भाजपा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अरे तो जिन्नावादी तो प्रेम शुक्ला जी आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी जिन्नावादी है, सावरकरवादी है और गौड़सेवादी है, इसीलिए आप तो हिंदू मुसलमान की बात करते। मैंने तो आपसे साफ साफ शब्दों में पूछ लिया, आप कह रहे हैं हमने उत्तर प्रदेश में ये कर दिया वो कर दिया। अरे मायाराम लोधी जिसकी बहू बीडीसी सदस्य थी, भाजपा के गुंडे वोट मांगने गए, उन्होंने मना कर दिया भाजपा को नहीं देना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब इनकी बात खत्म हो जाए तो मैं शुरू करूं, क्योंकि मैं इनकी तरह सभ्य नहीं हूं। अब जवाब सुन लीजिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब आप जवाब सुन लीजिए, ये बार बार कह रही हैं, आप कृपा करके बताइए अलवर के बलात्कारी के खिलाफ कब मुकदमा लेने वाले हैं। अशोक गहलोत अलवर के बलात्कारी को कह रहे हैं आप कांग्रेस के कुत्सित संस्कार को प्रकट कर रही हैं। चित्रा जी कैसे चिल्ला रही हैं, कहां से आई जनता की? ये कहाँ से संस्कार ले आते हैं? नहीं आप नहीं बताएंगे कहाँ से। अरे भाई सुकन्या का के बलात्कारियों के समर्थकों को भी हम जान रहे हैं। सुकन्या का नाम सुना था आपने? सुकन्या का नाम सुना है क्या आपने? नहीं पहले आप बताइए। सुकन्या का नाम फिर चिल्ला रही है चित्रा जी आज तक कहाँ से ऐसे किस तबेले से आई है? समझ में नहीं आ रहा किस तबेले से आई है, साधना जी गुजारिश है आपसे, साधना भारती जी अगर आप बोलेंगी तो मैं आपका ऑर्डर खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। जब बात गोदी मीडिया और गोदी एंकर्स की हो तो हम हमारे गुल्लू को कैसे भूल सकते हैं। तो अगले क्लिप्स में हम आपको सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से इन एंकर्स के बोलने का अंदाज बदलता है। पहले देखें जब अनुराग भदौरिया सवरकर पर इनको सत्य बता रहे हैं तो अपने गुल्लू जी कैसे उछल उछल कर अपनी सोच जाहिर करते हैं।
कि वो हमारे देश के लिए शहीद हुए हीरोज को नहीं बल्कि सावरकर जैसे लोगों को वीर समझकर सपोर्ट कर। वीर सावरकर के बारे में जो महात्मा गांधी कहते थे, क्योंकि आप महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे, महात्मा गांधी कहते थे या फिर इंदिरा गांधी कहती थी वो बात सत्य थी, या फिर आप भी राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाहते हैं? देखिए, यही सावरकर जी गांधी जी को पाखंडी बताने लगे, यही सावरकर जी गांधी जी को आप परपक्ष के इंसान बताते थे, कहते वो परपक्ष की नहीं है, वो गांधी जी के विरोधी थे, वो गांधी जी के साथ कभी चले ही नहीं, गांधी जी हिंसा की बात तो करते ही नहीं, तो अहिंसा की बात करते थे, भी नहीं कहा कि माफी मांगो। आप लोकतंत्र के प्रहरी है ना, आप लोकतंत्र के प्रहरी है ना, विरोध करना गद्दारी हो जाती है क्या? ऐसे तो पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के डिफरेंसेस कई बार रहे, पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के डिफरेंसेस कई बार ले। दो सेकंड बोलिए आप। अच्छा, दो सेकंड और दे दो। पंडित नेहरू चाहते थे सरदार वल्लभ भाई, महात्मा गांधी चाहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश की कमान मिल जाए। और इस क्लिप में हम देखेंगे कि जब कोई बीजेपी का व्यक्ति अपनी बेबुनियादी बात करता है तो गुल्लू कैसे अच्छे पेट की तरह सिर हिलाता हुआ हैंडशेक करता है और कहता है यस यस यही सही बात है। कुर्ता पहन के आते हो, इतना सेक्युलर कुर्ता पहन के आते हो और क्या बोलना है? आप सारे वोट मिलेंगे, आप बैठो शांति से, मुझे बोलने दो। देखो अमित भाई, विषय क्या था और यहाँ पे अनुराग जी क्या क्या बोल के गए, मैं छोटा सा इन्होंने गप्पू वप्पू कहा, मैं एक छोटा सा कहानी सुना देता हूँ। वीर सावरकर जिन्होंने पहला पुस्तक लिखा था 1857 के इंडियन रिवोल्यूशन के बारे में, इस किताब को प्रोस्क्राइब किया गया था, अंग्रेजों ने इस किताब को बैन किया था, उस किताब का नाम मैं आपको बताता हूँ, इंडियाज वॉर इन इंडिपेंडेंस 1857। ये किताब गांधी जी भी मानते हैं, ये जो पहली बार भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 का है, इसे जागृत करने का काम, इसे लिखने का काम, जनता के बीच 1857 की सिपाही म्यूटिनी को लाने का काम वीर सावरकर का है। भारतवर्ष का पहला केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लिखा गया था वीर। अगले क्लिप में हम बस इतनी सी बात कहना चाहते हैं, अगर हमारे देश में खुलेआम किसी एक धर्म के लोगों को काटने के नारे लगाए जा सकते हैं तो हर व्यक्ति को संविधान खुलकर अपनी बात रखने का भी हक देता है, पर जब शाहरुख खान ने ये बात कही तो भगवादार लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि कोई अभिनेता खुलकर अपनी बात कैसे रख सकता है। और बीजेपी और RSS और मोदी के खिलाफ जो भी बोलेगा उसे तो इन्होंने पाकिस्तान का वीजा दिलवाने का ठेका ले रखा है। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट है। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा। ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। शाहरुख खान को जो इस तरह की बयानबाजी करके हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ जो इस तरह की बात करते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट है। कहाँ पर देश में दंगे हो रहे हैं, कहाँ देश में फसाद हो गया है, कहाँ देश जो है वो अशिष्टता फैल गई है, आज देश सौहार्द के रास्ते पे चल रहा है, आप देश में डर का माहौल और खौफ का माहौल, फैब्रिकेटेड डर और फैब्रिकेटेड खौफ का माहौल दिखाना चाहते हैं, दुनिया को सामने ये बताना चाहते हैं कि भारत जो है वो बहुत असहिष्णु देश है, बहुत खराब देश है। अगले क्लिप में हम देखेंगे कि कैसे अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण के दौरान हमारे PM नरेंद्र मोदी जी के डबल स्टैंडर्ड्स को बुरा भला कहा। मुंबई नगरी जादू नगरी है, ये मुंबई का शहर फिल्म सितारों का शहर है, मगर कहूंगा मुंबई में ऐसा एक्टर पैदा नहीं हुआ होगा जो एक्टर नरेंद्र मोदी है। अरे कैसी अदाकारी, अगर यूसुफ खान देखे तो कहेंगे कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों एक्टिंग की, शाहरुख खान देखेगा तो बोलेगा कि वाकई में एक्टिंग सीखना है तो इससे सीखना। आ गया पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट को आया याद होगा, आते ही झुक गया, माथा टेका क्या बोल के, ये दस्तूर की मंदिर है। ओहो वाह वाह वाह। फिर बाबा जापान गए तो भगवद गीता क्यों दिए? अरे आप पार्लियामेंट को दस्तूर की मंदिर मानते हैं, उसके माथे पर अपना माथा टेकते हैं और फिर जापान जाते हैं तो भगवद गीता देते हैं। अरे उस मंदिर में बनाए गए कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देना था जापान के प्राइम मिनिस्टर को। दोस्तों आप चाहे असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की A टीम या B टीम कहें
पर इतनी बात तो आप भी मानेंगे कि वो जब भी कहीं बात रखते हैं तो वो अपने भाई बहनों के हित की ही बात करते हैं। इस क्लिप में देखें कैसे ओवैसी ने अंजना ओम मोदी की बोलती बंद करवाई, क्योंकि जितनी हानि धर्मों को बांटकर कुछ पार्टीज कर रही हैं उससे कई ज्यादा ऐसे घटिया चैनल्स उनका प्रोपेगेंडा चलाकर कर रहे हैं। कौन है ये सरकार होती कौन है कि ये तय करे कि मेरे लिए अच्छा क्या है? मेरे लिए अच्छा वो है जो मैं तय करूंगा। आपका काम है संविधान के तहत चलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टस्वामी में कह दिया कि क्या पहना जाएगा, क्या खाया जाएगा, वो किसी का इख्तियार नहीं है, किसी का इख्तियार नहीं है। इसको इतना मत बनाइए पोलराइज, क्योंकि फिर ये भी है ना कि कई लोग वहीं पुलिस स्टेशन में ही जाकर नमाज भी पढ़ते हैं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर प्रोफेशनली आप आगे कौन पढ़ता है, कौन नमाज कौन पढ़ता है बताइए, कौन अरे कौन पढ़ता है बताइए, बताइए ना ना बताइए बताइए कौन करता है बताइए, पुलिस से नमाज कौन पढ़ता है बताइए, एक तस्वीर दिखाइए हमको बताइए, चलिए हमको देश भर में अपने अपने अलग अलग जगह हम आपसे कह रहे हैं कि सुनिए सुनिए बात से रखो, पर मेरा मेरे एक सवाल का जवाब मैडम क्या गुरु मैं एक सवाल नहीं नहीं सुनिए नहीं 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 आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं, नहीं वरना फिर आपके नहीं नहीं मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। गुरुग्राम में क्यों पढ़ने नहीं दिया जा रहा मुझे, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं, आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते, मुझे गुरुग्राम में पढ़ने क्यों नहीं दिया गया, इजाजत आपने देकर कैंसिल कर दी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।